तो कैसे हो मेरे स्पोर्ट प्लेयर्स। सो आज हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट के बारे में, क्योंकि अभी जो नए बंदे आने वाले हैं स्पोर्ट में, अगर उनको नहीं पता कि स्पोर्ट क्या है, तो ये वीडियो स्पेशली जो 9 साल की ऑडियंस है जो स्पोर्ट में आना चाहती है पर उनको नहीं पता कैसे आना है, तो आप एक सही जगह पे हो। आप जल्दी से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं आपको एक स्पोर्ट प्लेयर बना के छोड़ने वाला हूँ और आपको फ्यूचर में यहाँ पे स्पोर्ट रिलेटेड टॉपिक्स और टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि स्पोर्ट क्या है। तो स्पोर्ट एक बेसिकली स्पोर्ट, जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल ऐसे हम स्पोर्ट खेलते हैं, वैसे ही स्पोर्ट एक इंटरनेट स्पोर्ट है जहाँ पे हम हमारी कोई भी जो भी हमें गेम पसंद है उसकी टूर्नामेंट्स होती है। अगर हम वहाँ पे हम जीतते हैं तो हमें कोई प्राइज़ भी मिलती है, वैसे ही ये भी एक स्पोर्ट ही है पर इसको इंटरनेट पे खेला जाता है, इसको इसलिए स्पोर्ट कहा जाता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कि स्पोर्ट में भी करियर है क्या। तो इसका सीधा आंसर है हाँ, स्पोर्ट में भी करियर है। पर एक बात ध्यान से याद रखना, अगर आपके पास डिवाइस, आपकी फैमिली जो आपको अंडरस्टैंड करती हो तो, और आप में गट्स होने चाहिए स्पोर्ट के लिए। आप स्पोर्ट में आना चाहते हो और आपके पास गुड डिवाइस नहीं है तो थोड़ा 2-3 साल रुक जाओ यार, इतनी जल्दी भी मत करो क्योंकि अभी बहुत गेम आने वाली है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी इतनी जल्दी मत भागो, अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो थोड़ा सब्र करो, फिर आप झूठ बोलोगे अपनी फैमिली से कि फैमिली को, अपने मम्मी पापा को कि मुझे पढ़ने के लिए फ़ोन चाहिए, तो मतलब वो फ़ोन ला के देंगे और पूरे दिन गेम खेलते रहोगे, तो ये नहीं होता, फिर ये नहीं चलता। अगर आप रैली स्पोर्ट में जाना चाहते हो तो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा और थोड़े 2-3 साल रुक जाओ अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो। जब भी आपको डिवाइस अच्छा मिले तब ट्राई करो, ऐसा कुछ जल्दी है नहीं कि आप ही अभी स्पोर्ट में अभी चले जाओगे, और क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अगर आपके पास गुड डिवाइस नहीं है तो समझो आप नहीं आगे बढ़ सकते। मैंने बोला कि आप अगर गुड डिवाइस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके फ़ोन में अगर गेम चलती है तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप अच्छे से खेल पाते हो फ़ोन में लो डिवाइस से फिर भी, तो फिर आप तो भाई ग्रेट हो, हम कुछ नहीं कह सकते फिर तो। और हमारा थर्ड टॉपिक है कि हाउ टू बी अ गुड स्पोर्ट प्लेयर। सो इसका बेसिकली आंसर है कि सबसे पहले तो आप गेम डिसाइड करो कि आपको कौन सी गेम खेलनी है, उसके बाद देखो कि वो गेम आपके डिवाइस में चलती है क्या नहीं। अगर वो आपके डिवाइस में अच्छी तरीके से चलती है तो उस गेम में जाओ, अगर वो गेम में वो डिवाइस में अगर आपकी वो वाली गेम नहीं चल रही तो कोई और गेम देख लो, उसमें भी आप स्पोर्ट में जा सकते हो। और सबसे पहले अगर आप कोई स्क्वाड गेम खेल रहे हो, मतलब बैटल ग्राउंड गेम खेल रहे हो, पबजी या फ्री फायर, तो समझो पहले आप एक अच्छे से 4 बंदे ढूंढो, रैंडमली भी ढूंढो तो रैंडमली ऐसे ढूंढना कि तुम चारों एक दूसरे से कनेक्ट रह पाओ, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वो आपकी मर्जी आप कैसे कनेक्ट रह पाओगे, पर एक दूसरे से कनेक्ट रहो। फिर ऐसा ना हो कि मतलब एक दूसरे को पता भी नहीं कौन कैसा है और 2-3 दिन बाद के वो नहीं खेलने आ रहा, वो नहीं खेल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक और एडवाइस दूँ तो रैंडमली बंदों से अच्छा है अगर आप कोई जान पहचान वाले बंदों के साथ गेम खेलोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ पाओगे और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बनेगा तुम लोगों का। अगर आप में से कोई गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं, मतलब कि गेमिंग के लिए कौन से फ़ोन अच्छा रहेगा, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। जो भी स्पोर्ट में आना चाहते तो उनको ये वीडियो भेजो और उनको बोलो कि अगर तू भी स्पोर्ट में आना चाहते तो ये वीडियो देख, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट के लिए टिप्स एंड ट्रिक मिलने वाली है, क्योंकि अब से हमारी कंटिन्यू वीडियो आने वाली है, मतलब दो तीन दिनों में एक वीडियो आ जाएगी। ओके, सी यू, मिलते हैं, और घर पे रहे, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकले वरना सबको कूटूंगा मैं।